Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So as you guys know by the title, I'm back with another lipstick swatch video. You guys just love watching my swatches video. और आज का जो video होने वाला है वो तो एक requested video है because आप में से बहुत से लोगों ने मुझे request करा था इस particular lipstick को try करने के लिए, shades review करने के लिए, swatch करने के लिए. Yes, मैं आपके साथ लेके आई हूँ My Glam Popexo makeup collection with My Glam. Actually this is काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन जो कि पॉपेक्सो ने माइग्लैम के साथ करा है. तो पॉपेक्सो के भी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स आपको माइग्लैम की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, लाइक दीज लिपस्टिक्स, देन देर आर ऑल्सो नेल पॉलिश एंड आई शेडो किट, ब्लश वगैरह, ये सब कुछ है. सो यस, आज मैं ये तीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तीन मिनी लिपस्टिक किट्स. और इसमें ये तीन शेड्स ही आते हैं और तीनों शेड्स मेरे पास हैं. सो इसमें आपको तीन डिफरेंट वेरियंट्स मिल जाते हैं. सो एक है पावर ट्रिप, ओके, देन द सेकेंड वन इज नो ड्रामा एंड द थर्ड वन इज प्रिटी मिस. तो इसके ही बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. ओके गाइस, तो सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर लेते हैं. तो ये बहुत ही ऐसे क्यूट से बबली से पैकेजिंग में आता है. दिस लुक्स सो क्यूट, राइट. इधर पे कुछ हार्ट्स बने हुए हैं, लिप्स बने हुए हैं, सम क्यूट क्यूट इमोजीज आर देयर. तो इसको जैसे ही आप स्लाइड करते हैं, कुछ इस तरह से आपको इसे स्लाइड करना है और अंदर आपको तीन मिनी लिपस्टिक्स मिल जाती हैं. सो आपको तीन डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं. शेड्स तो हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है. सो दिस रिटेल्स फॉर 349 rupees एंड 349 rupees इज आई थिंक सुपर डुपर वर्थ फॉर सच अ ब्यूटिफुल लिप किट बिकॉज इसकी पैकेजिंग भी इतनी क्यूट है, प्लस आपको तीन तीन लिपस्टिक्स भी मिल जाती हैं. एंड अगर आप माइग्लैम की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे ऑफर्स में ये मिल जाएगा. और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो आपको ईच लिपस्टिक मिल जाती है 2.5 ग्राम्स की, विच आई थिंक इज गुड फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग ऑब्वियसली. एंड शेल्फ लाइफ की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर हुआ था 21 में एंड एक्सपायर होगा 24 में. सो यू गेट 4 years ऑफ शेल्फ लाइफ विच इज अ गुड डिसेंट शेल्फ लाइफ फॉर एनी लिपस्टिक आउट देयर. ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मूला की. तो इसका जो फॉर्मूला है ना, दैट इज अ क्रीमी मैट फॉर्मूला. जैसा कि आप नाम से समझ ही सकते हैं, क्रीमी मैट है तो प्रॉपर एकदम प्रॉपर मैट नहीं आएगा, उसमें थोड़ी बहुत शाइन रहेगी. ट्रांसफर प्रूफ है कि नहीं, सो दीज लिपस्टिक्स आर डेफिनेटली ट्रांसफर प्रूफ. अभी मैंने इसमें से एक शेड वेयर करा हुआ है, सो आई होप यू गाइस कैन सी, ये काफ़ी ट्रांसफर हुआ है बट उतना भी नहीं हुआ है. लाइक आप देख सकते हैं मेरे लिप्स का जो शेड है वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा भी ट्रांसफर नहीं होता है. आप डेफिनेटली कुछ ऑयली वॉयली खाओगे तो ये तो फिर पूरा हट जाने वाला है. बट आई नो देर आर पीपल आउट देयर जिन्हें क्रीमी मैट लिपस्टिक्स लगाना ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू मैट लिपस्टिक्स, बिकॉज वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं लिप्स पे, क्योंकि वो आपके लिप्स को ड्राई आउट नहीं करती हैं. सेम गोज विद दीज लिपस्टिक्स, ये बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई आउट नहीं करेंगी. सो इफ यू हैव ड्राई चैप लिप्स देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज वंस. और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिटिविटी की, सो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज ये ट्रांसफर प्रूफ भी नहीं है. तो ये आराम से 3 to 4 hours आपके लिप्स पे बनी रहेगी. सो जो मिनी लिपस्टिक है वो कुछ ऐसी आती है, इस पर थोड़ा बहुत फॉन्ट लिखा हुआ है लाइक पॉपेक्सो क्रीमी मैट एक्सक्लूसिव बाय माई ग्लैम, एंड नीचे आपको शेड नंबर एज वेल एज क्वान्टिटी मेंशनड है, एज वेल एज एक्सपायरी डेट भी मेंशनड है, विच इज सो गुड बिकॉज आउटर पैकेजिंग हर कोई संभाल के तो रखता नहीं है. वैसे मैं इसकी तो जरूर से संभाल के रखूंगी. इफ यू नो मी तो आपको बताइए कि मैं आउटर पैकेजिंग बहुत ही इजिली थ्रो कर देती हूँ बिकॉज वो मुझे काफी ज्यादा यू नो स्पेस कंज्यूमिंग लगता है. बट इसकी पैकेजिंग इतनी ज्यादा क्यूट है ना कि लिटरली मैं इसे संभाल के रखने वाली हूँ जस्ट इन केस अगर आप इसे खो देते हैं. तो आपको नीचे इधर पे एक्सपायरी डेट मेंशन है, विच इज सो कूल बिकॉज इतनी सी लिपस्टिक है बट स्टिल इस पर मेंशन है. सो ये कुछ ऐसे ओपन होती है एंड जो इसका यू नो जो लॉक है काफ़ी स्टर्डी है. ऐसा नहीं कि अगर आप अपने बैग में थ्रो कर देंगे तो ये खराब नहीं हो जाने वाला है, खुल नहीं जाने वाला है, बिकॉज यस काफ़ी अच्छे से ये क्लोज होता है. तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इजीली इसे अपने पर्स में डाल के ट्रैवल कर सकते हैं. आपको तीन शेड्स साथ में मिल जाएंगे. ऑल्सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्यूट है, मतलब किसी को गिफ्ट करने के हिसाब से दिस इज लाइक अ रियली गुड गिफ्टिंग ऑप्शन. ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मुलेशन की. तो फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है और बहुत ही ईजिली ग्लाइड डाउन भी हो जाता है. ठीक है, आई होप यू गाइस कैन सी कि बहुत ही ईजिली ये ग्लाइड ऑन हो गया. द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक इज कि इसकी वन स्वाइप पिगमेंटेशन नहीं है. आपको इसको 2-3 बार अच्छे से है ना स्वाइप करना पड़ेगा, तब जाके आपके लिप्स पे एक ओपेक पिगमेंटेशन आती है. सो दैट्स द ओनली यू नो कॉन अबाउट दिस लिपस्टिक्स. अदरवाइज फॉर द प्राइस, फॉर द क्वान्टिटी, फॉर द क्वालिटी, एवरीथिंग इट्स सुपर डुपर गुड. ओके, सो अब हम इनके शेड्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट जो है मेरे पास किट वो है पावर ट्रिप, और पावर ट्रिप में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से तीन बोल्ड शेड्स मिल जाते हैं. सो जिन्हें बोल्ड लिप शेड्स पहनना पसंद है दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. मैं पहले हैंड स्वॉच करके दिखा देती हूँ एंड देन मैं इसका लिप स्वॉच दिखाऊंगी. सो द फर्स्ट वन आई हैव इज लेवल अप, वेरी ब्यूटिफुल डार्क मजेंटा शेड. जिन्हें फूशिया मजेंटा शेड्स पसंद है दे विल रियली लव दिस वन. देन आई हैव अटेंशन, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मरून शेड विद हिंट्स ऑफ ब्राउन, एंड ये सभी स्किन टोन्स पर बहुत ही ब्यूटिफुल लगने वाले हैं दोनों ही कलर्स.
चाहे आपकी फेयर स्किन हो, डीप स्किन हो, डस्की स्किन हो, यू विल रॉक देम. एंड थर्ड वन इज फाइटर. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रेड शेड. जो रेड शेड जो होता है ना, जिसमें हिंट्स ऑफ पिंक होते हैं, हिंट्स ऑफ मजेंटा होते हैं, ये वैसे टाइप का शेड है. सो ऑल द थ्री शेड्स आर सुपर डुपर गॉर्जियस और सारे ही स्किन टोन्स पे ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाले हैं. प्रिटी मेस. सो इसमें आपको तीन ब्यूटीफुल पिंक शेड्स मिल जाते हैं. सो फर्स्ट आई हैव इज लव बग. थोड़ा सा फ्लोरोसेंट पिंक टाइप का ये शेड है. देन द नेक्स्ट शेड इज क्यूटी, क्यू एंड टी, क्यूटी. अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल पिंकिश पीचिश शेड, जो कि फेयर स्किन टोन्स पे ये ज़्यादा अच्छे से जाएगा. देन द थर्ड वन इज एक्सो एक्सो. ठीक है, सो दिस इज एक्सो एक्सो. ये पूरा ही एक प्रॉपर पिंक शेड है, जो कि बबल गम पिंक टाइप का शेड नहीं होता है, वैसे टाइप का शेड है. एंड ये तीनों शेड्स आई वुड से जो फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स हैं उन पे ज़्यादा अच्छे से जाएंगे. डस्की स्किन टोन पे ये तीनों आई गेस थोड़ा वॉश आउट करेंगे. द लास्ट किट आई हैव इज नो ड्रामा. और इसमें आपको मिल जाते हैं तीन ब्यूटिफुल न्यूड शेड्स. सो इफ यू आर समवन जिसे न्यूड शेड्स पसंद है, तो आप बस एक ये किट ले लो एंड यू विल बी सॉर्टेड. ओके, फर्स्ट आई हैव इज हाइप. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राउनिश न्यूड शेड, जो कि सारी स्किन टोन्स पे जाएगा. ये फेयर से लेके डस्की डार्क सब तक जाएगा ये. देन सेकेंड आई हैव इज कम्फर्ट जोन, अगेन अ ब्राउनिश न्यूड शेड. नाउ ये वाला जो है ना, ये इससे थोड़ा सा म्यूटेड है, बट ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, बट ये काफ़ी म्यूटेड है और इसमें थोड़े पीच के हिंट्स आपको मिल जाएंगे, वेयर इज दिस वन इज अ प्रॉपर ब्राउन न्यूड शेड. देन द थर्ड वन इज ब्लिस, अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल पीचिश. इसमें पीच के भी टोन्स हैं, पिंक के भी हैं और ब्राउन तो है ही. सो या
सो गाइज दीज आर ऑल द नाइन शेड्स, नाइन ब्यूटीफुल शेड्स. फर्स्ट में आपको पूरे बोल्ड कलर्स मिल जाएंगे, सेकंड में आपको पूरे पिंक कलर्स मिल जाएंगे और थर्ड में आपको पूरे न्यूड कलर्स मिल जाएंगे. सो इट्स अप टू यू कि आपको है ना कौन से शेड के लिए जाना है, कौन से यू नो किट के लिए जाना है. इट्स टोटली अप टू यू. ओवरऑल माई ओपिनियन ऑन दीज लिपस्टिक्स आर लाइक दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. द ओनली थिंग इज दैट दे आर नॉट ट्रांसफर प्रूफ, बट अदरवाइज आई रियली लाइक देम और काफ़ी अच्छे से मेरे लिप्स पे गए हैं. मुझे ऐसे कंफर्टेबल फॉर्मूलाज पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है. और येस वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मैंशन इज दैट दीज आर फ्रेगरेंस फ्री लिपस्टिक. इसमें कुछ भी फ्रेगरेंस नहीं है, लाइक 1% भी फ्रेगरेंस नहीं है. सो या दैट्स अगैन ये एंड प्राइस के अकॉर्डिंग तो दीज आर लाइक सुपर डुपर गुड. और आप लिटरली किसी को भी गिफ्ट करेंगे ना, दे लव इट. सो गाइज दैट्स इट. ये थे सारे स्वॉचेज और रिव्यू इन शेड्स के बारे में. और भी यू नो लिपस्टिक स्वॉच वीडियोज आती रहेंगी. So stay tuned and that's it guys. I'll see you in my next video. Till then bye, take care.